हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ अपडेट के बारे में। हम बात करेंगे इप्सन मेलो के बारे में और साथ ही साथ एफसी गोवा और नॉर्थ ईस्ट का बीच में जो मैच है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो और आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी के गोलकीपिंग कोच के बारे में। तो आप लोग स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो, ये जो है गाइस नॉर्थ ईस्ट एफसी का गोलकीपिंग कोच है। नॉर्थ ईस्ट एफसी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम में जो है इनका एक रील पोस्ट किया गया था जिसमें मैंने मतलब स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है नॉर्थ ईस्ट का गोलकीपिंग कोच है। तो दोस्तों फर्स्ट बात करता है इप्सन मेलो के बारे में। तो दोस्तों हमने आपको पहले ही अपडेट दे दिया है कि जो इप्सन मेलो है वो गुवाहाटी के लिए निकल चुका है, जल्दी वो गुवाहाटी पहुंचने वाला है और ट्रेनिंग भी शुरू करने वाला है। तो अभी अपडेट आ रहा है कि जो इप्सन मेलो है वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, अभी एक दो दिन के अंदर ट्रेनिंग भी शुरू कर देगा और जो नेक्स्ट मैच है एफसी गोवा के अगेंस्ट में उसमें भी खेलेगा। तो अभी इप्सन मेलो ट्रेनिंग शुरू कर देगा, वो गुवाहाटी पहुंच चुका है, ऐसा अपडेट आ रहा है और आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इप्सन मेलो जो है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में एक स्टोरी लगा है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ऐसा अपडेट आ रहा है कि इप्सन मेलो जो है गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। अभी तक तो कोई फोटो वगैरह नहीं है गुवाहाटी में इप्सन मेलो का, लेकिन जल्दी इप्सन मेलो अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी वगैरह लगाएंगे। गुवाहाटी में अगर वो पहुंच गए तो स्टोरी तो लगाएंगे ही। इप्सन मेलो मतलब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में बहुत एक्टिव रहता है तो फोटो वगैरह जरूर पोस्ट करेंगे गुवाहाटी में। अभी जो है बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इप्सन मेलो जो है गुवाहाटी पहुंच चुके हैं और कुछ यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं कि इप्सन मेलो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, इसलिए मैंने आपको अपडेट दे दिया है। और गाइस पहुंच गया होगा यार गुवाहाटी में, क्योंकि वो मतलब दो दिन पहले ही अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी लगा था जिसमें वो मतलब कपड़ा वगैरह पैक कर रहा है गुवाहाटी आने के लिए। तो अभी तक तो भाई पहुंच गया होगा। तो अभी तक कोई फोटो वगैरह तो नहीं है गुवाहाटी में, लेकिन अगर कोई फोटो वगैरह इंस्टाग्राम में मिल जाए तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी इप्सन मेलो जो ट्रेनिंग भी शुरू कर देगा और नेक्स्ट मैच जरूर खेलेंगे यार, मतलब नेक्स्ट मैच क्यों नहीं खेलेंगे। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मैच में कैसा परफॉर्मेंस करता है इप्सन मेलो, मतलब बम निकलते या फिर फुलझड़ी निकलता है। आई होप कि भाई अच्छा ही खेले इप्सन मेलो और अच्छा ही है। यूट्यूब पे हमने देखा इप्सन मेलो एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ब्राजीलियन प्लेयर, तो भाई बहुत खतरनाक होता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट मैच में कैसा परफॉर्मेंस करता है इप्सन मेलो। तो इप्सन मेलो के बाद बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट एफसी वर्सेस एफसी गोवा का जो मैच है जो इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में होने वाला है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। तो ग्रुप डी का जो है एक ही मैच खेला गया था नॉर्थ ईस्ट एफसी वर्सेस शिलोंग लाजोंग के बीच में इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में। तो आज जो है ग्रुप डी का दूसरा मैच होने वाला है एफसी गोवा और शिलोंग लाजोंग के बीच में। और गाइस मैं सपोर्ट करने वाला हूँ शिलोंग लाजोंग को, क्योंकि गाइस एफसी गोवा अगर हार गए तो भाई हमारा ही फायदा है। एफसी गोवा एक बहुत ही स्ट्रांग टीम है, वो अगर हार गए तो भाई हमारा ही फायदा है, वो मतलब लास्ट में रहेंगे और हम फर्स्ट में रहेंगे और भाई सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे, प्लेऑफ में पहुंच जाएंगे। तो एफसी गोवा को तो भाई मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, ऐसे मतलब आईएसएल में सपोर्ट करता हूँ, लेकिन भाई हमारा ग्रुप में है तो मैं सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ एफसी गोवा को, मैं शिलोंग लाजोंग को सपोर्ट करने वाला हूँ। तो अभी देखते हैं कौन जीतता है। मेरे हिसाब से तो भाई एफसी गोवा ही जीतेंगे, क्योंकि भाई कितना खतरनाक टीम है आप देख सकते हो और भाई कोच भी है मैंने लो। तो अभी देखते हैं भाई एफसी गोवा जीतते हैं या फिर शिलोंग लाजोंग, उसका भी पता चल जाएगा, रिजल्ट पता चल जाएगा कि कौन जीता है। तो उसके बाद 12 तारीख को नॉर्थ ईस्ट एफसी खेलने वाला है एफसी गोवा के साथ अपना दूसरा मैच। तो ये मैच जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, क्योंकि अगर ये मैच नॉर्थ ईस्ट जीत गया ना तो भाई गारंटी दे सकता हूँ मैं नॉर्थ ईस्ट एकदम प्लेऑफ में पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई शिलोंग लाजोंग को तो हरा लिया, अगर एफसी गोवा को हरा लिया तो भाई वो कन्फर्मली मतलब 100% वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगा, क्योंकि भाई डाउनटाउन हीरो जो है गाइस वो उतना खास टीम नहीं है, उनको तो भाई आसानी से हम हरा सकते हैं, लेकिन जो एफसी गोवा है वो बहुत ही खतरनाक टीम है, उनका प्लेयर्स भाई बहुत ही खतरनाक प्लेयर्स है और जो कोच है ना भाई वो तो कमाल के कोच है, मैनेलो है भाई उनका कोच। तो अभी देखते हैं नॉर्थ ईस्ट कैसा परफॉर्मेंस करता है। अगर नॉर्थ ईस्ट का नेक्स्ट मैच में जो नॉर्थ ईस्ट का लाइनअप है अगर उससे नॉर्थ ईस्ट खेले तो भाई पक्का हार जाएगा। तो हमने कुछ लाइनअप बनाया है, मतलब बनाया नहीं, मतलब मैं बोलूँगा आपको एक लाइनअप, अगर उस लाइनअप में अगर नॉर्थ ईस्ट खेले तो भाई शायद कुछ हो सकता है, ये मतलब मेरे हिसाब से मैंने लाइनअप बनाया है। तो चलिए आपको लाइनअप थोड़ा दिखा देते हैं, मतलब लाइनअप के बारे में थोड़ा बता देते हैं। तो अभी जो आप लोग लाइनअप देख रहे हो पिछले मैच का लाइनअप है, लेकिन हम जो है गाइस 12 तारीख के मैच के लाइनअप के बारे में बात करेंगे। तो 12 तारीख का जो मैच है ना गाइस उसमें मतलब मेरे हिसाब से गोलकीपर तो भाई मिर्शाद मीको रहेंगे और गाइस सेंटर बैक में गौरव बोरा और माइकल जबको, ये दोनों ही ठीक रहेंगे क्योंकि इन दोनों ने मतलब पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो लेफ्ट बैक में मैं तोंडुम्बा को ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि तोंडुम्बा ने गाइस पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और मेरे हिसाब से भाई नेक्स्ट मैच में भी तोंडुम्बा को इधर रखना चाहिए। और इधर जो है राइट बैक है ना गाइस, राइट बैक के पोजीशन में
मतलब दिनेश को नहीं रखना चाहिए, दिनेश के अलावा हीरा मोंडोल को रखना चाहिए, क्योंकि गाइस दिनेश जो है गाइस पिछले मैच में भाई बहुत सारे उनसे मतलब मिस्टेक हो गए थे और दिनेश सिंह का परफॉर्मेंस उतना खास था नहीं, तो मेरे हिसाब से दिनेश सिंह के अलावा मतलब उनको उन तो मेरे हिसाब से दिनेश सिंह को छोड़ के मतलब उधर हीरा मोंडोल को रखना चाहिए राइट बैक के पोजिशन में। उसके बाद मिडफील्डर्स के बारे में बात किया जाए तो गाइस मेरे हिसाब से जो लेफ्ट मिडफील्डर है उसमें प्रज्ञान गोगोई को ही रखना चाहिए, और जो राइट मिडफील्डर है ना गाइस उसमें रोमेन फिलबोटुक्स है अभी, लेकिन रोमेन फिलबोटुक्स को छोड़ के मतलब उधर फलगोनी सिंह को लाना चाहिए, मतलब फलगोनी सिंह को रोमेन फिलबोटुक्स के जगह में लाना चाहिए और रोमेन फिलबोटुक्स को जो है फलगोनी के जगह में लाना चाहिए। मतलब रोमेन फिलबोटुक्स ने मतलब राइट मिडफील्डर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन भाई ये मतलब एफसी गोवा के अगेंस्ट में मैच है तो रोमेन फिलबोटुक्स को मतलब मेरे हिसाब से अटैकर के अटैकिंग के पोजीशन में रखना चाहिए। तो उसके बाद बात करते हैं राइट विंगर के पोजीशन के बारे में, तो राइट विंगर में भाई पार्थिव गोगोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और पिछले मैच में भी भाई हैट्रिक लगाया था, तो राइट विंगर के पोजीशन में जो है पार्थिव गोगोई को ही रखना चाहिए, और जो लेफ्ट विंगर के पोजीशन में जिसमें मतलब रॉक्सर जिला है तो रॉक्सर जिला को छोड़ के भाई उधर मेरे हिसाब से मतलब रिडीम तलंग को रखना चाहिए, तो पिछले मैच में तो भाई रिडीम तलंग नहीं खेला है, इस मैच में तो शायद खेलेंगे, तो मेरे हिसाब से जो मतलब रॉक्सर जिला का पोजीशन है मतलब जो लेफ्ट बैक मतलब जो लेफ्ट विंगर के पोजीशन है उसमें मतलब मेरे हिसाब से रिडीम तालंग को रखना चाहिए, क्योंकि रिडीम तालंग एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वो एफसी गोवा के टीम में भी खेल चुके हैं, क्योंकि भाई रिडीम तालंग जो है एफसी गोवा से ही नॉर्थन एफसी में आए हैं, तो एफसी गोवा के जो डिफेंडिंग लाइन है मतलब उसका थोड़ा प्लान वगैरह वो समझते हैं रिडीम तालंग, तो मेरे हिसाब से उनको रखना चाहिए लेफ्ट विंगर के पोजीशन में। और गैस स्ट्राइकर जो है ना गैस वो मनवीर सिंह है, लेकिन अगर मनवीर सिंह को लेके एफसी गोवा के अगेंस्ट मैच खेलेगा तो भाई पक्का नॉर्थ ईस्ट हार जाएगा, तो भाई स्ट्राइकर के पोजीशन में गैस मेरे हिसाब से इप्सन मेले को रखना चाहिए, क्योंकि भाई नेस्टर एलबीएस को तो रखेंगे ही नहीं, मतलब मेरे हिसाब से नेस्टर एलबीएस को रखेंगे नहीं, इप्सन मेलो को ही रखेंगे, तो इप्सन मेलो रहेंगे स्ट्राइकर के पोजीशन में। तो ये था गैस मेरा लाइनअप, मेरे हिसाब से इस लाइनअप में नॉर्थ ईस्ट एफसी को खेलना चाहिए, इस मतलब मैंने अभी जो बोला है जो जो प्लेयर का पोजीशन बोला है इस पोजीशन में मेरे हिसाब से खेलना चाहिए, बाकी अभी कोच देखते हैं किस पोजीशन में किसको खिलाता है, अभी भाई कोच पे डिपेंड करता है, मैं तो कोच नहीं हूँ ना। तो अभी जो मैंने आपको लाइनअप बताया है गाइस ये कोच का तो लाइनअप नहीं है, मेरा ही लाइनअप है, मैंने खुद बनाया है, मतलब मेरे हिसाब से इस लाइनअप में खेलना चाहिए, इससे खेलने से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी जो एफसी गोवा को मतलब हरा सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आप अपना राय कमेंट करके बताना, और एफसी गोवा भाई बहुत अच्छा स्क्वाड है, अगर नॉर्थ ईस्ट को जीतना है ना गाइस उनका जो डिफेंडिंग का पोजीशन है मतलब डिफेंडर है उनको बहुत स्ट्रांग रहना होगा, डिफेंडिंग भाई पूरा स्ट्रांग करके खेलना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट एफसी को, क्योंकि डिफेंडिंग कमजोर है, लेकिन पिछले मैच में बहुत स्ट्रांग डिफेंडिंग था, गौरव बोरा ने अच्छा खेला, हमारा कैप्टन गौरव बोरा उन्होंने अच्छा खेला है, माइकल जबाको ने भी ये गाइस बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, और तोंडुम्बा सिंह ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, दिनेश सिंह ने भाई उतना मतलब खास किया नहीं, उनके उनसे मतलब थोड़ा मिस्टेक वगैरह हो रहे थे, लेकिन भाई बाद में हीरा मोंडोल को सब्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन भाई हीरा मोंडोल से भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक हो गए थे, लेकिन भाई हीरा मोंडोल भी मतलब उतना ज़्यादा मिस्टेक करते नहीं है, कम ही मिस्टेक करता है, तो मेरे हिसाब से मतलब हीरा मोंडोल को रखना चाहिए, और लेफ्ट विंगर के पोजीशन में रिडीम तालंग और राइट विंगर के पोजीशन में जो है पार्थिव गोगोई को रखना चाहिए, क्योंकि भाई पार्थिव गोगोई के बारे में तो आपको पता ही है, पिछले मैच में हैट्रिक लगा दिया था, पिछले मैच में कितना शानदार परफॉर्मेंस किया था, उनको मतलब विंगर के पोजीशन में खिलाया, उनको राइट विंगर के पोजीशन में, फिर ही भाई तीन गोल मतलब भाई एक हैट्रिक लगा दिया, और रिडीम तालंग तो पहले भी एफसी गोवा में खेल चुके हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिडीम तालंग को जो है लेफ्ट विंगर के पोजीशन में खिलाना चाहिए और पार्थिव गोगोई को जो है राइट विंगर के पोजीशन में खिलाना चाहिए, और स्ट्राइकर जो है इप्सन मेलो होंगे। तो भाई बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी जो मैंने आपको लाइनअप बताया इस लाइनअप पे ही नॉर्थ एफसी खेलेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है, अभी जो मैंने आपको लाइनअप बताया ना गाइस ये मेरे हिसाब से बताया, मतलब मेरे हिसाब से अगर नॉर्थ एफसी इस लाइनअप पे खेले तो जीत सकता है, लाइनअप तो भाई कोच बनाएंगे, कोच जो लाइनअप मतलब कहेंगे जो लाइनअप बनाएंगे उस लाइनअप पे नॉर्थ एफसी खेलेंगे, तो कोच का तो लाइनअप भाई 4-4-2-3-1 है, तो 4-2-3-1 फॉर्मेशन में ही खेलेंगे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। तो देखते हैं कोच किस लाइनअप में खेलता है, सब कुछ मतलब कोच के ऊपर डिपेंड करता है। और गाइस आज का यही अपडेट था, अभी तो भाई नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आ रहा है, लेकिन भाई मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ इसलिए भाई आपके लिए मतलब सोच के भाई टॉपिक लाता ही रहता हूँ। और भाई अभी नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई अपडेट वगैरह नहीं आ रहा है यार, मैं मतलब डेली वीडियो चैलेंज लिया है ना इसलिए डेली वीडियो अपलोड करना पड़ता है, और भाई टॉपिक सोचते भाई दिमाग खराब हो जाता है, मतलब किस टॉपिक के वीडियो बनाऊँ भाई, कल किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, कल किस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड करूँगा भाई, ये सोचते मेरा
दिमाग मतलब। तो आप सभी लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ लेकिन भाई आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। आपसे भाई एक ही तो चीज़ चाहिए ना भाई, सब्सक्राइब चाहिए, लेकिन भाई आप में से बहुत सारे बंदे सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। इसलिए भाई प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है यार, मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ डेली, तो भाई नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आता है ना भाई। मैं डेली मतलब टॉपिक ढूंढता हूँ, सोचता हूँ भाई किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूँ भाई आप सभी लोगों के लिए। इसलिए सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करना फ्री है, आपको कोई पैसा देना भी नहीं पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का यही अपडेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट नेम से रिलेटेड हर अपडेट डेली मिलते रहता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए सबको अलविदा, जय हिंद जय भारत।